हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने जब से टोक्यो में भाला फेंक कर धमाल मचाया है, पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि करीब 13 साल बाद भारत को ओलंपिक में गोल्ड मिलने पर यह जश्न मनाने का मौका मिला है। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन मिलाकर टोक्यो में मौजूद नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी तो इसकी खूब तारीफ हुई। लेकिन देश के ही कुछ पत्रकार हैं जो इस बधाई में भी मीन मेख निकालने लगे हैं, और जब विरोध का कोई मौका नहीं मिला तो यही बोलकर विरोध करने लगे कि पीएम मोदी ने बात करते वक्त फोन का स्पीकर क्यों ऑन किया हुआ था। वो कहते हैं ना, कुछ लोग खुद को अलग दिखाने के चक्कर में अच्छे कामों में भी जबरदस्ती का विरोध ढूंढने लगते हैं। कुछ ऐसा ही काम किया है देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने। दरअसल जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, नीरज चोपड़ा के गोल्ड की खुशी में बरसात के साथ पकौड़े। सुधीर चौधरी के इस ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान अखबार की मुख्य संपादक रह चुकी मृणाल पांडे ने लिखा, कांच पे टसन, चांदी पे जसन, सोने पर जुटा मेला, बेरोजगार के नसीब में पकौड़े का ठेला। मृणाल पांडे के इस ट्वीट पर हालांकि सुधीर चौधरी ने भी करारा जवाब देते हुए कहा, कुछ लोग सोने में भी मिट्टी ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग जश्न में भी मातम ढूंढ लेते हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के बाद से देश के एक वर्ग में मायूसी है, उन्हें बेरोजगार होने का डर है। नीरज का भाला जिगर के अंदर तक जख्म दे गया। इन दोनों पत्रकारों की लड़ाई के बाद वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने तो पीएम मोदी के फोन के स्पीकर से ही चढ़ गए। उन्होंने लिखा, स्पीकर फोन पर बधाई देते, देश के सुपर स्पीकर पब्लिसिटी का कोई मौका न छूट जाए इनसे। पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे अजीत अंजुम को हालांकि वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी कंडवाल ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, ये फोन कॉल अगर लाल किले की प्राचीर से माइक पर पूरी दुनिया को भी सुनाया जाता तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक अविस्मरणीय क्षण है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को नीरज के लिए झूमने, चीयर करने, चीखने और गाने का हक है। एक यूजर ने तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही इंदिरा गांधी की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये देखना कोई पढ़कर फोटो खिंचवा रही है, एक लाइन भी बिना देखे नहीं बोल सकते, फिर फोटो भी वीडियो भी बनवा रही है, पता नहीं कौन है अजीत जी। इस वीडियो में इंदिरा गांधी चांद पर गए राकेश शर्मा से बात कर रही हैं और पूछ रही हैं वहां से भारत कैसा दिखता है। डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट कर लिखा, नीरज का भाला पता नहीं इन लोगों के कहां कहां लगा, दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं पीएम मोदी के नीरज चोपड़ा से बात करने और फिर पीएम मोदी से चिढ़े पत्रकारों और तथाकथित लिबरलों को करारा जवाब देते हुए लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लिखा, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक जीत के समय जो भी लोग नफरत का एजेंडा फैलाने में लगे हैं उन्हें नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि ये निकृष्ट लोग हैं, अपने ही बनाए कीचड़ के गड्ढे में धंसे हुए हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फोन कर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए एथलीट से बात कर उनका मनोबल बढ़ाने में लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसमें भी मीन मेक निकालने लगे हैं। अच्छे कामों में विरोध ढूंढने वाले ऐसे लोगों के लिए ही मालिनी अवस्थी ने लिखा, इन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए, ये निकृष्ट लोग अपने ही बनाए कीचड़ के गड्ढे में धंसे हुए हैं। वैसे नीरज के गोल्ड मेडल जीतने पर जबरदस्ती का विरोध करने वाले पत्रकारों के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप भी देख लीजिए वो वीडियो जिसे लेकर अजीत अंजुम पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन का है, वही था कि बस ये मेरा लास्ट है।
सबसे लाजमी है कि मैं डिटेल में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम रहा। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी, और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।